Welcome students in today's class. Today we have to see about lesson number 2, personalizing Windows environment. Students, in previous class we learned about an operating system. Windows 10 is an operating system. It's a system software, hai na? Windows 10 operating system kya hai? It's a system software hai. Ab iska use kya hai? Kaise इसका यूज़ होता है, वी हैव टू सी इट नाउ. विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, लेकिन उसे पर्सनलाइज करना, व्हाट इज़ द पर्सनलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, वी हैव टू सी इट नाउ. बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पर्सनलाइजिंग. पर्सनलाइजिंग मीन्स to modify something to suit our needs or as to change its appearance and functionality. Personalizing means to modify something, changes करना, मतलब जैसे operating system हमें क्या provide करता है, ये desktop है ना, तो इसका look change करना, इसके इसमें इस पर जो icons हमें दिख रहे हैं अलग अलग pictures, उसका size change करना या color change करना, background का color change करना, many things according to our requirement or our needs we will change, it is called personalizing. Okay, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कंप्यूटर का लुक चेंज करेंगे, मतलब इंटरनल, नॉट आउटर लुक, इट्स इंटरनल लुक, मतलब डेस्कटॉप चेंज करना, एप्लीकेशन का आइकॉन्स का साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, ऑल दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट वी विल चेंज, इट इज़ कॉल्ड पर्सनलाइजिंग. Microsoft Windows is a popular operating system available for platform like desktop and tablets. अब Windows operating system tablet PC या फिर desktop या फिर tablet PC को एक platform provide करती है. Platform मतलब it's a base. It is developed and released by Microsoft. Famous versions of MS Windows include Windows XP, Windows 7 and Windows 10. ये किसने बनाई है, डेवलप की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इसके पहले के फेमस वर्जन्स कौन से हैं, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, इट्स अ प्रेजेंट वर्जन. विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस विंडोज. इट हैज़ द सम फीचर्स. फर्स्ट इट इज़ अ न्यू टास्क बार. ओके, इट हैज़ अ न्यू टास्क बार. अब न्यू टास्क बार मतलब ये देखो, ये अलग पैटर्न का टास्क बार आपको यहाँ दिख रहा है नीचे में, ये जो बैकग्राउंड में देखो, जिस पे इंटरनेट एक्सप्लोरर फोल्डर वगैरह दिए हैं ना, ऑल दीज आर द टास्क बार, इट्स अ टास्क बार. ठीक है, ये न्यू पैटर्न का न्यू लुक टास्क बार ने दिया है. विंडोज हेलो अ बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम इज अवेलेबल. इसमें बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी मतलब हमें अगर पासवर्ड लॉक करना है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम बायोमेट्रिकली हमें लॉगिन करना पड़ता है, यूज़र लॉगिन या फिर एडमिन लॉगिन. तो ये लॉगिन हम पासवर्ड भी कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं. तो बायोमेट्रिक में क्या होता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आप पासवर्ड लॉक कर रहे हैं तो आपका पासवर्ड आपका फेस रहेगा. अगर आप स्क्रीन के सामने अपना फेस लाएंगे तो स्क्रीन जो है वो आपके फेस को स्कैन करेगी और उसके बाद ही लॉक हो जाएगा. आपको क्या रहेगा या फिर फिंगरप्रिंट, ऑल दीज आर बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम. So Windows 10 provides us biometric based security system. Also Microsoft Edge, a new default browser. अब इसके पहले Windows 7 या फिर XP operating system जो थी वहाँ
इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर नेटस्केप नेविगेटर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स रहते थे। और इसके अलावा हम मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये ब्राउज़र्स यूज़ करते थे। लेकिन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एज नाम का ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कंप्यूटर की तरफ से आया है, ओके, अवेलेबल है। इसके अलावा हम गूगल क्रोम भी एज ए ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। वाई वी नीड ब्राउज़र या फिर ब्राउज़र का मतलब क्या है? ब्राउज़र गिव्स अस लिंक ऑफ इंटरनेट, ओके, इट कनेक्ट अस विथ इंटरनेट। ब्राउज़र ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ओके, यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम ब्राउज़र करता है। सो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। देन कॉर्टाना एन इंटेलिजेंट पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट इज गिवन। अब इंटेलिजेंट पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, ये कॉर्टाना एक ऐप है, एप्लीकेशन जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर में अवेलेबल है या फिर डेस्क लैपटॉप में भी दिया हुआ रहता है। अब कॉर्टाना ओरल कमांड एक्सेप्ट करती है। अगर हम कॉर्टाना इट्स अ सॉफ्टवेयर, तो कॉर्टाना क्या करती है, एक ओरल कमांड एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर हमने कहा है कॉर्टाना ओपन द फोल्डर, है कॉर्टाना शो मी दैट एप्लीकेशन, देन इट विल गिव द रिप्लाई। या फिर हम कॉर्टाना की मदद से गूगल सर्च भी कर सकते हैं, कोई कुछ डेटा सर्च करना है वो भी हम कर सकते हैं। मीन्स वी विल गिव कमांड ओरली, फाइल ओपन करना, क्लोज करना, ऑल दिस कमांड्स वी विल गिव ओरली। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉर्टाना एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज अ पेंट 3D। 3D पेंट इज ऑल्सो न्यू एप्लीकेशन इज गिवन फॉर ड्राॅइंग पर्पज इन 3D, मतलब जैसे स्टैचूज होते हैं या कोई पिक्चर्स होते हैं। हम इसके पहले जो पेंट एप्लीकेशन यूज़ करते थे उसमें 2D मतलब सिर्फ स्क्रीन पर हम ऐसे एक्स और वाई एक्सिस के माध्यम से एक फ्लैट पिक्चर ड्रॉ करते थे। लेकिन यहाँ 3D व्यू मतलब स्पेस में जैसे हमें लाइव ऑब्जेक्ट दिखते हैं वैसे हम यहाँ पिक्चर्स देखेंगे। मतलब कोई पर्सन रूम में वर्क कर रहा है तो वी कैन सी इट जस्ट लाइक रियल, ही इज़ देयर, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ 3D पेंट एप्लीकेशन। सो नाउ वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज 10 इन डिटेल। You already know about that, so we are not going to spend much time on it. We will start features of Windows 10. अब इसके बारे में आपको पता है फिर भी I will explain it in short. Windows 10 has a new taskbar, ठीक है, new taskbar दिया है Windows 10 में। ये taskbar जो है वो is look like this, ये देखो यहाँ ये नीचे में जो ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इट्स अ टास्क बार। अब यहाँ कुछ एप्लीकेशंस दी है, जैसे ये है कुछ एप्स या फिर उनके आइकॉन्स, यू कैन सी ऑन द टास्क बार। दिस ब्लैक स्ट्रिप इज अ टास्क बार, ठीक है। नीचे में डेस्कटॉप के नीचे में जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी है ब्लैक कलर की स्ट्रिप, इट्स अ टास्क बार। इसमें न्यू क्या है, तो इट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन। द लेफ्ट पोर्शन हैज़ द स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स एंड टास्क व्यू। ये स्टार्ट बटन, ओके, इट्स अ स्टार्ट बटन, इट्स अ सर्च बॉक्स एंड एक्सप्लोरर इज ऑल्सो गिवन एंड सर्च बॉक्स एंड टास्क व्यू, व्यूज़ आर हियर, इट्स अ, यहाँ आपको टास्क व्यू दिखेगा, ओके। व्हाइल द नोटिफिकेशन एरिया एंड पिक बटन्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट पोर्शन। अब हम कौन से टास्क यूज कर रहे हैं, वी कैन सी हियर नोटिफिकेशन एरिया मीन्स जैसे यहाँ कुछ नोट किया हुआ आपको दिखाई दे सकता है, या फिर आपके इसमें साउंड, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो साउंड का वॉल्यूम छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही आपका इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं, वो आप राइट साइड के
इस छोटे से टास्क बार पे देख सकते हैं। एरिया एंड पीक बटन आर प्रेजेंट ऑन द राइट पोर्शन ऑफ द टास्क बार। इट अलाउज यू टू सी द फाइल्स दैट यू आर वर्किंग ऑन एंड ऑल्सो दोज एप्लीकेशन दैट यू हैव पिंड फॉर एक्सेसिबिलिटी। अब टास्क बार पे हम क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन हमारी ओपन है, कुछ हमने वर्ड ओपन किया तो यहाँ टास्क बार पे आपको वो एप्लीकेशन का आइकॉन दिखेगा। इसके अलावा जो भी आइकॉन्स आपने यहाँ, जो भी एप्लीकेशंस आपने यहाँ टास्क बार में पिन करके रखी है, वो सारी एप्लीकेशंस आपको दिखेगी। जैसे यहाँ हमने ये गूगल क्रोम रखा है, वैसे ही एक्सप्लोरर का फोल्डर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेनी 3-4 फोल्डर्स, वी 3-4 आइकॉन्स यू कैन सी ऑन द टास्क बार। नेक्स्ट इज अ सेकेंड पॉइंट इज अ विंडोज 10 हैज़ एन इंटेलिजेंट पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट दैट इज कॉर्टाना विच इज़ कैपेबल ऑफ सर्चिंग एनीथिंग ऑन द पीसी एंड वेब। अब कॉर्टाना ये ऐसी एप्लीकेशन है जो मैंने इसके पहले ही बताया, जिसे हम वॉइस कमांड देंगे और वो हमें रिप्लाई देगी। हमें कुछ सर्च करना है गूगल पे, इंटरनेट पे, तो भी हम वॉइस कमांड दे सकते हैं और कॉर्टाना हमें रिप्लाई देगी। इट्स अ सॉफ्टवेयर। विंडोज 10 हैज़ अ न्यू डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज। इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ कॉर्टाना एंड नोटेशन टूल्स। अब बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर्स जो हमें मिलते थे वो थे इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप नेविगेटर। इसके साथ अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो है विंडोज एज। ओके, इट्स अ डिफ़ॉल्ट ब्राउजर गिवन, दैट्स वाई वी कैन यूज़ द कॉर्टाना साउंड एप्लीकेशन और असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एप्लीकेशन एंड नोटेशंस ऑल्सो, नोटेशन टूल्स इज ऑल्सो अवेलेबल। वी कैन यूज़ दिस टूल्स बिकॉज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ अ बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम नोन एज विंडोज हेलो विच अलाउज फिंगरप्रिंट एक्सेस, इरिस स्कैन एंड फेशियल रिकग्नाइजेशन। अब बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम मतलब, पहले मैंने बताया कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम से मतलब हमारा फिंगर प्रिंट का लॉक रख सकते हैं। लॉक तभी ओपन होगा जब हम अपने फिंगर को टच करेंगे। इसके अलावा हम अपना फेस लॉक भी रख सकते हैं, मतलब जब हम फेस स्क्रीन पे दिखाएंगे तभी वो लॉक ओपन होगा स्क्रीन का। इसके अलावा इरिस स्कैन मतलब अपनी आईज है ना, आईज की रेटिना स्कैन करके भी हम अपना पासवर्ड लॉक कर सकते हैं। रेटिना आईज, आँखों की रेटिना से ही वो लॉक ओपन होगा। ऐसे भी हम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो फेशियल रिकग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट एक्सेस, दीज आर द बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स वी कैन यूज इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ अ न्यू एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग नोन एज 3D पेंट इन विच यू कैन परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज एडिंग एनिमेशंस, कन्वर्टिंग 2D इमेजेस टू 3D एंड ड्राइंग 3D इमेजेस फ्री हैंड। ओके, पेंट एप्लीकेशन आपको पता है, लेकिन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में 3-डायमेंशनल पेंट एप्लीकेशन दी है, जिसमें हम जैसे रियल में है वैसे स्टैचू शेप में हम पर्सन को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ यूजिंग डेस्कटॉप, हाउ टू यूज़ द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप का कैसे यूज़ करना है, आप देखो ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप आपको इस तरह से दिखता है। इसके पहले जो ओल्ड वाली ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसमें ऐसा डेस्कटॉप नहीं दिखता था। इसमें कुछ चेंजेस है, अब क्या चेंजेस है, वी हैव टू सी इट नाउ। व्हेन वी राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, अगर हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो एक पर्सनलाइज विंडो ओपन होती है। यहाँ हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, कहीं पर भी ब्लैंक एरिया पे हम राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक करेंगे, आर क्लिक, देन राइट क्लिक से क्या होगा, ये पर्सनलाइज विंडो अपीयर होगी। ये पर्सनलाइज विंडो है, इस पर्सनलाइज विंडो में यहाँ ये मेन्यू, पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा। इस पॉपअप मेन्यू पे ये पर्सनलाइज ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर्सनलाइज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं
एक पर्सनलाइज विंडो अपीयर होगी. सी हियर, इट्स अ पर्सनलाइज विंडो. ओके, इन दिस पर्सनलाइज विंडो यू कैन सी मेनी टैब्स आर गिवन, जैसे बैकग्राउंड टैब, कलर्स टैब, ये यहाँ साइड में. ओके, बैकग्राउंड टैब, कलर्स टैब, लॉक स्क्रीन, थीम एंड स्टार्ट, दिस टैब्स आर गिवन. कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम एंड स्टार्ट, दिस टैब्स आर गिवन. ऑल्सो वी कैन सी अबाउट दिस टैब्स इन डिटेल. फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड, दिस बैकग्राउंड टैब इज एक्टिवेटेड. यू कैन सी इट्स अ बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप. ओके, इट्स अ बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप. ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है. ओके, नाउ वी हैव टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ डेस्कटॉप. वो कैसे चेंज कर सकते हैं हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड? जैसे यहाँ चूज योर पिक्चर, हम यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इस पोर्शन पे, यहाँ हम यहाँ पिक्चर पे क्लिक करेंगे. यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करते हैं हम सेव्ड पिक्चर, जो पिक्चर लाइब्रेरी में सेव्ड है, वो हम डेस्कटॉप पे ला सकते हैं. चूज योर पिक्चर यहाँ लिख कर आया है ना, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट पिक्चर्स लाइब्रेरी से हम एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट बैकग्राउंड इज, नेक्स्ट टैब इज अ कलर. वी कैन चेंज द कलर ऑफ द स्क्रीन. अब इस स्क्रीन का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ कलर्स में जैसे ही हम कलर टैब पे क्लिक करते हैं, ये कलर पैलेट है, चूज अ कलर विंडो अपीयर होती है. इसमें हम डिफरेंट कलर्स आर गिवन हियर. वी कैन सिलेक्ट आर रिक्वायर्ड कलर एंड अप्लाई इट टू द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप. नेक्स्ट इज अ लॉक स्क्रीन. और जैसे हमें स्क्रीन लॉक करनी है, तो मैंने अभी बताया था तीन तरीके से हम स्क्रीन को भी लॉक कर सकते हैं, फिंगर स्कैन, फेस स्कैन, आईज स्कैन. ओके, वी कैन लॉक द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन लॉक टैब. सी यूजिंग दिस कलर्स ऑप्शन यू कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ द स्टार्ट मेन्यू एंड अदर विंडोज. द बार अंडर द ओपन एप्लीकेशन ऑल्सो चेंजेस द कलर करस्पॉन्डिंग टू दिस. यहाँ जो कलर बार दिया है, उसकी मदद से आप और भी कलर सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और स्टार्ट मेन्यू का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ थीम. थीम क्या है? अब आपको पता होगा कई बार हम ऐसे कुछ थीम वगैरह अप्लाई करते हैं, तो मींस एक ही पैटर्न के पिक्चर्स या फिर एक ही सेम पैटर्न का कुछ व्यू, इट्स अ थीम. थीम्स प्रोवाइड अस विथ अ फास्ट वे टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ विंडोज 10. अ थीम इंक्लूड्स बैकग्राउंड इमेजेस, कलर एसेंट्स एंड एसेंट्स एंड साउंड्स. अब अपने डेस्कटॉप पे देखा होगा, अपने कंप्यूटर लैब में भी हमने देखा है कि बैकग्राउंड में अलग अलग पिक्चर्स थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई देते हैं ना, न्यू पिक्चर्स हमें बैकग्राउंड में डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं. तो वो कैसे पॉसिबल होता है? विद द हेल्प ऑफ थीम. अगर हम यहाँ से थीम सिलेक्ट करेंगे और थीम के लिए यहाँ से पिक्चर्स सिलेक्ट किए और उसे हमने थीम ऑप्शन पे दे दिया, तो ऑल दिस पिक्चर्स यू कैन सी ऑन द डेस्कटॉप वन बाय वन. ओके, बैकग्राउंड पे आप वन बाय वन थोड़ी थोड़ी देर में, विद इन सेकेंड्स और आफ्टर वन मिनट, यू कैन सी द चेंजिंग पिक्चर्स ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप आर क्लास हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लेसन नंबर 2. थैंक यू, बाय बाय.